आज तुम मिनी बन के कहाँ जा रही हो? मम्मी मम्मी के पास। के पास जा रही हो? वाह, फुल मीना ड्रेसअप में हो तुम आज। हाँ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ऑल ऑफ सडन हम लोगों का प्लान बनाया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं भैया दौसा अपनी अम्मा से मिलने। सवेरे मॉर्निंग में बात हुई थी, वो कह भी रही थी भैया कि आ जा कुछ अच्छा खिलाते हैं। मैंने कहा चलो कोई ना, लेकिन आज हम लोग लेट हो गए निकलने में, पहुंच जाएंगे अभी, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। दौसा पौने कितना है, ऑलमोस्ट आई थिंक पौने एक घंटा या फिर एक या सवा घंटे का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए, मौसम भी ठीक है, ज़्यादा ठीक तो नहीं कह सकते पर फिर भी ठीक है। Now this one's dedicated to that one love in your life. Bohemia. Bloodline music. Bilal said. She doesn't need no makeup, no high heels. She didn't reach out and cut it till I know what is. Very sorry. She's very sorry. She doesn't need no Gucci, no LV the bag. Pretty lady, you're not a nice swag. Meri sohni. अब हम लोग ने हाईवे पकड़ लिया है, तो हाईवे पे पहुंचने के बाद ज्यादा टाइम लगता नहीं है, पर एक बात तो जरूर है, हमारी बीवी फुल ऑन स्वैग है भाई। इसको कहते हैं कि भैया प्रॉपर लड़कियों को आता है टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। इनको टाइम मिला कि भैया चलो ठीक है इतनी दूर पहुंचेंगे, तो टाइम लगा चलो अपना फेस मास्क ही लगा लिया जाए। वाह, कौन सा ग्लो आएगा इसमें? पिंकिश ग्लो। पिंकिश ग्लो, पिंकी पिंकी, तुमको तावड़ी में धक्का लगवा देते। रेडिश ग्लो आ जाएगा। चलो, अब तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी टाइम है 2:53। लेट्स सी, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में इन सब जगहों को देख के कौन कह सकता है कि भाई ये राजस्थान है। ये जो हरियाली, माय गॉड, दिस थिंग भाई, अगर बारिश के मौसम के बाद अगर तुम लोग इसमें गर्मी में जून जुलाई जून में देखोगे ना, तो ऐसा लगे सिर्फ और सिर्फ पूरा पीले, जिसको कहते हैं ना उसे, भाई भाई बंजर है पूरा पूरा। पर यहाँ देखो बारिश के टाइम में जो हाल है, सुपर। हम लोग काफी रास्ते आ चुके हैं, हम लोग पहुंच गए हैं। अभी किसी को पता नहीं है कि हम लोग हैं, आए हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं रिएक्शंस कैसे रहते हैं। माल तुमने बुलाया, तुमने बुलाया बताया हमको, तो हम चुन्नू, अरे नंगू 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 नंगू, अरे नंगू क्या कर रहा है? दोनों आ जाओ, मंदिर में उपवन बना के पड़ा खिला दूंगी। अरे मम्मी सो रिया था तुम्हारे पीछे, तो मार रहा था खा गया, मैं खा के पड़ गया। वापस रखा ऐसे होता है, देखो सरप्राइज तो ऐसे ही होता है। उनको कोई बताया को ना, हमने कोई को अगर ऐसा अत्र हल्लो करता तब तक तो पता ही चल जाता था मुझे, उनको क्या फायदा। उनको डिचका डिचका डिचका
आप लोग अभी से बच्चों पे प्रेशर बना के तब पढ़ा रहे हो। अरे बाबू बाबू बेटा तू इनसे क्या बनेगा? और इसको तो कबूतर, इसको जो देखो जो कबूतर दिखता है। देख रहे हो आप लंगू, इसको तो पहले देख। नोप नाम कुछ नहीं बेटा, कैसे ऐसे कैसे किए हैं ऐसे गंदी बात ना बेटा। हाँ वाह, अरे चाची खुद शर्मा की टोक देते यही काम बाकी रह गया बस बच्चे के स्कूटर पे बैठने का, और कुछ बाकी नहीं रहता है। बाबू कहाँ रह गया भैया? किसके साथ बेटा? तेरी भाषा ना मेरे को समझ में नहीं आती है। कौन सी भाषा बोलता है तू आधे से टाइम? यो ये बाजरा बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, नहीं बोले भैया ऐसे मेरे स्कूटर पे नहीं बैठना, मैं नहीं बैठा रहा अपने स्कूटर पे। चला दे चाची को घुमा दे। हे भगवान, बोला तुम ही चलाओ, मैं नहीं चला रहा, हद हो गया, ऐसे कौन चलाता है? वाह बैठ चाहिए इधर को। सच जाने को तैयार हो रखे हैं तो दादी को दिखा क्या क्या पैक किया तूने? ये जाने को तैयार हो रखा कतई। हमारे साथ चलोगे क्या? हाँ तो सारे के सारे येल्लो हो रहे हैं बेटा, क्या बात है? हाँ 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 हाँ, चलो चप्पलें पहन के आओ। सैंडल कहाँ आपके? आपके क्रॉक्स पहन के आओ। जाओ सुसु कर दिया आपने अलग से, सुसु की पानी गिराया है। आपको भी चलना है हमारे साथ? कौन सी में बैठोगे, इसमें बैठोगे कि उसमें बैठोगे? उसमें बैठेगा, पप्पा वाली में बैठेगा। वाह बारे लड़का अपनी गाड़ी समझता है कौन सी है। ओ तो 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 आ गया, चलो टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया भैया, बाय बाय दोसा, हम चले हैं जयपुर की तरफ। मजा आ गया लेकिन कितने दिनों बाद, मम्मी से तो ऑलमोस्ट एक महीने बाद मिले हम लोग।
आज काफी ज्यादा फन हो गया, तो अब टाटा बाय बाय करने आ रहे हैं। अब दौसा से हम लोग निकल लिए हैं, तो अब ऑलमोस्ट हम लोगों को एक घंटा लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। ओ येलो येलो डट्टी फेलो, डट्टी फेलो, हाँ दिख गई। खीर कुछ ज्यादा हैवी हो गया मुझे लग रहा है, खीर पराठे मिर्ची सब हैवी हो गया। ओके पर चलिए कोई नहीं, अब तो हम सीधा जयपुर मिलते हैं। आप लोगों को ब्लॉग का एंडिंग भी वहीं करेंगे हम लोग, इसलिए चलिए थोड़ी देर अब रास्ता में एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं। एंजॉय नाउ मंजानी लाइफ, वन मोर कावड़ यात्रा। दोस्तों आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको कुछ नए नए प्रोडक्ट्स मैंने जो खरीदे हैं उनके रिव्यूज़ भी इसमें ब्लॉग चैनल पे मिलेंगे, तो थैंक यू सो मच।